भैंसदेही जनपद क्षेत्र, भीमपुर जनपद क्षेत्र, आठनेर जनपद क्षेत्र तथा भैंसदेही नगर परिषद के निःशक्त और विकलांग व्यक्तियों के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया था, जहां उन्हें डॉक्टर्स की उपस्थिति में प्रशिक्षण कर प्रमाण पत्र जारी किया गया। भैंसदेही जनपद सीईओ नरेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि 288 निःशक्त जनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है एवं 118 लोगों को लगभग प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं तथा अगले शिविर में इन सभी लोगों को जो पैरों से विकलांग है उन्हें ट्राई साइकिल तथा आदि उपकरणों का वितरण भी किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग और जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार 30 सितंबर को निःशक्त जन शिविर का आयोजन भैंसदेही जनपद पंचायत में किया गया। दुर्बलता प्रमाण पत्र जो कि जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया, आवासीय प्रमाण पत्र हेतु आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड जिसमें सीनियर सिटीजन की जन्मतिथि का उल्लेख हो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि की जांच कर शिविर में आए निःशक्त जनों को वॉकिंग स्टिक, एल्बो बैसाखी वॉकर, श्रवण यंत्र, चेयर स्टूल आदि चीजों का वितरण किया गया। ये एयरपेक्ट योजना अंतर्गत कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ये दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। इसका अपना भैंसदेही जनपद, आठनेर जनपद और भीमपुर जनपद और दोनों नगर पंचायतों को मिलाकर आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य यही था, यहाँ पर अभी तक कुल 263 लोगों का पंजीयन हुआ है और अभी पंजीयन कार्य अभी और भी लोग आ रहे हैं, पंजीयन कार्य चालू है। यहाँ पर मैं जो ग्रामीण क्षेत्र में जिनके प्रमाण पत्र के लिए बैतूल जाना पड़ता था वो पूरी टीम आई हुई है, यहीं पे उनको विकलांग प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और वितरण किए जा रहे हैं। तो साथ में जो विभिन्न प्रकार की डॉक्टरों की टीम है, आँख की हड्डी विशेषज्ञ, अपने कान विशेषज्ञ, इनके द्वारा जांच की जा रही है और इनके द्वारा जांच में जो पात्र जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो इनके द्वारा चयन कर दिया जाएगा और फिर वो सभी के लिए नामजद इनके द्वारा किसको क्या उपकरण देना है वो फिर यहाँ जनपद पंचायत को प्राप्त होंगे, उसके बाद यहाँ से फिर इन लोगों को वितरण होगा। मतलब सर आज प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं, मतलब विकलांगों को मतलब वो दिए नहीं जा रहे हैं, उपकरण नहीं दिए? उपकरण आज उनका चिन्हांकन किया जा रहा है, उपकरण जब ये टीम जो रहेगी जब वहाँ से आएंगे उसके बाद वितरण किया जाएगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भैंसदेही से मनीष राठौर की रिपोर्ट।